run, we will learn some strokes and patterns. Strokes and patterns seeking a standing line. Standing line. सीधी लाइन खींचेंगे उसको स्टैंडिंग लाइन बोलेंगे. स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन. अब बच्चों से कैसे प्रैक्टिस करवाएं पेरेंट्स, कोई एक पिक्चर ड्रॉ करके दे दें. मान लीजिए मैं यहाँ पर कप ड्रॉ कर रही हूँ. मैंने ये कप ड्रॉ किया. अब इस पर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने को आप बच्चों से कह सकती हैं. इस टाइप से बच्चे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करें इसमें तो प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों की स्टैंडिंग लाइन करने की. ये मैं ज्यादा अच्छा बनाऊंगी तो समय लगेगा. मैंने इसे बना दिया. स्लीपिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन. आप बच्चों से स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे आप? आप एक कप कैप ड्रॉ कर दीजिए बच्चों के लिए. इस टाइप से आप इसमें आप स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करने को बच्चों से कह सकती हैं तो उनको अच्छा लगेगा. स्लीपिंग लाइन बच्चों को अच्छा लगेगा. इसमें कलर भी फिल करवाइए बच्चों से तो स्लीपिंग लाइन उनको याद भी रहेगी कैसे बनती है. और कैप में कलर करेंगे तो बच्चों को और ज्यादा अच्छा लगता है. स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन. कुछ स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन होती है, कुछ लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन होती है. तो मैं दोनों बना के दिखाऊंगी आपको. अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करवानी है आप बच्चों से? आप एक स्क्वायर बनाइए. ऐसे स्क्वायर बना लीजिए. अब बच्चों से स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करने को कीजिए. स्लैंटिंग लाइन. इधर से बच्चे स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करिए. लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन. फिर राइट स्लैंटिंग लाइन करेंगे बच्चे.